आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि केरल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, लेकिन दक्षिणी राज्य के लोगों के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी LDF और राज्य में विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी UDF की क्षुद्र राजनीति के कारण व्यर्थ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित जनसंपर्क अभियान के तहत नड्डा ने केरल में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गॉड्स ओन कंट्री, इस नाम से इस पवित्र भूमि को हम जानते हैं, लेकिन आज यह भी हम जानते हैं कि केरल के लोग बहुत ही शांत प्रिय और शांति से देशभक्ति के साथ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि समय इतना बदल गया कि गॉड्स ओन कंट्री जो पवित्रता के साथ जानी जाती है वो आज रक्त रंजित हो गई है। लॉट ऑफ ब्लडशेड हैज टेकन प्लेस एंड दी intellectual pursuits have been challenged by the physical assaults in this land, God's own country, which is very detrimental. ये बहुत ही दुखदायी है, ये बहुत ही चिंताजनक है, यह केरल के आगे को बढ़ने के लिए एक तरीके से रुकावट है। तो सबसे पहले तो मैं तिरुवनंतपुरम की और केरल की पवित्र भूमि के धरती पुत्र को ये निवेदन करूंगा कि समय आ गया है जब हम ऐसे फोर्सेस को जो विचार से अलग हट करके शक्ति का प्रयोग करके विचार को कुंद और समाप्त करना चाहते हैं उनको हमको आराम देना चाहिए, और जो लोग वैचारिक दृष्टि से केरल को शांति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं इनका। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विश्व हिंदू परिषद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू खतरे में नहीं है, इनकी राजनीति खतरे में है, इसलिए ये हिंदुओं को खतरे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां हिंदू खतरे में आ जाता है। खतरे में नहीं था, ये इनके पद खतरे में है और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। जब जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। अरे कितने संस्कृति और कितने देश दुनिया के मानचित्र में आए वो मिट गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, चाहे कितने आक्रमणकारी आए, कोई भी परिस्थिति बनी, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज कैसे खतरे में हो जाए स्वतंत्र देश में, ये केवल देखिए इनके पास दुख की बात यह है कि ये भय दिखा के अपने साथ करना चाहते हैं, लालच दे के अपने साथ करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास योजना क्या है। यदि हिंदुओं के हित में इन लोगों ने क्या फैसला किया है जो आगे बढ़ सके, इनके पास कोई योजना नहीं है, केवल भय है, भय दिखा के अपने साथ रखना चाहते हैं। लगातार उनकी कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूं, इनके पास कोई योजना नहीं है भाई, 10 साल से इनकी सरकार है हिंदुओं के आगे। महाराष्ट्र में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में बीजेपी और विपक्षी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम लोगों पर हमला करने वाले लोगों को नाथूराम गोडसे की औलाद कह दिया। आप भी सुने। क्या आपने बहुत अच्छा काम किया है, अरे क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में, गरीबों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली जा रही है। मैं मुतालबा डिमांड करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर पूरों को गिरफ्तार करना, आप जेल को भिजाना उन तमाम जालिमों को जिन्होंने हमारे सुलेमान अंसारी को और अब्दुल अफान माजिद अंसारी का कत्ल किया,
ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इन्होंने हमारे मासूम इंसानों की जान ली है। हम मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, कुछ तो बोलो। अच्छा, कुछ तो ये सेकुलर पार्टी के लोग बोलो, राष्ट्रवादी के लोग बोलो, कांग्रेस के लोग बोलो, ये आपके शिवसेना के लोग बोलो, मुंह में क्या दही जम गई। हम जब बोल सकते तुम क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोलते कि तुम्हारी मौत इनको पसंद है, मगर तुम्हारे ओट से मोहब्बत है। तुम्हारी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे ओट से मोहब्बत है। मजलिस को तुम्हारे ओट से नहीं, मजलिस को तुम्हारे हक से मोहब्बत है, मजलिस को तुम्हारे इंसाफ से मोहब्बत है। हम यही चाहते हैं। अच्छा, अब आप सुन लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहां से आपने एक मोहतरमा को कामयाब कर दिया। आपने वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बोले मियां बीजेपी को हराना है, वोट दे दो उसको। मस्जिद से ऐलान हो गया, हम सब ने कहा क्या करेंगे रे भाई, उनको वोट दे दिए, उन्होंने जीत गए मैडम। और मैडम जैसा दिल्ली को पहुंचे, दिल्ली को पहुंचता क्यों ना बता दिया अपना असली रंग, माने अपना असली चेहरा। क्या बता, क्या बोले मैडम, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, जैसा बोलते वैसा नहीं। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गई कि किसका बिल बढ़ेगा किसका नहीं। इसको लेकर पावर मिनिस्टर आतिशी ने बयान जारी किया। आतिशी ने कहा कि जिनका बिल जीरो आ रहा था उनका बिल जीरो ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ऊपर है या बड़े उपभोक्ता हैं, उनको 8% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। बिजली का दाम बढ़ रहा है जिसकी वजह से उनका बिल चाहे 1% बढ़े, चाहे 4% बढ़े, चाहे 5% बढ़े, दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पीपीएसी की वजह से उनका बिल क्यों बढ़ रहा है। तो मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आज जो बिजली का बिल बढ़ रहा है दिल्ली में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्यों है केंद्र सरकार जिम्मेदार? क्योंकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियाँ जो बिजली खरीदती हैं वो दो सोर्सेस से खरीदती हैं। नंबर वन, NTPC के थर्मल पावर प्लांट से ये बिजली कंपनियां बिजली खरीदती हैं। नंबर दो, दिल्ली के गैस पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से ये बिजली खरीदती हैं, जिन गैस प्लांट्स को भी गैस की सप्लाई केंद्र सरकार से आती है। तो अगर आप देखने जाएंगे तो जो 5 पावर प्लांट्स हैं जो दिल्ली को पावर सप्लाई करते हैं, अरावली, MPL, दादरी 2, MTPS 7 और बवाना, इसमें से 4 पावर प्लांट्स NTPC के हैं। और इन चारों पावर प्लांट्स में जो DERC द्वारा अप्रूव्ड टैरिफ है उससे 15% से लेकर 50% ज्यादा महंगे दामों पर केंद्र सरकार की NTPC द्वारा दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिजली। मध्य प्रदेश में चुनावी साल के मद्देनजर बीजेपी के कई दिग्गजों का प्रदेश में आना जाना लगा हुआ है। अब इस कड़ी में एक बार फिर से पीएम मोदी 27 जून यानी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। एक ही दिन में पीएम मोदी दो जिलों के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, हालांकि अब इसे रद्द कर दिया गया है। पीएम मोदी के MP आगमन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया, साथ ही इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला है, सुनाएंगे। अमेरिका में आपने उनकी अगवानी देखी होगी, स्वागत देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री का। ये भारत देश के हर नागरिक का है, सम्मान है।
ये हमारे अपने वोट की ताकत है कि देखिए भारत का मान कैसे बढ़ता है, कैसे विश्व गुरु बनने के लिए हमारा भारत आगे बढ़ता है। अब आप कल्पना करो, कोई पैर छीने के लिए दौड़ रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांगने के लिए दौड़ रहा है, कोई मिस्र में उनको एक अलग प्रकार का सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो नदी के बारे में कहा जाता है, वो सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ये उनको सोचना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के बारे में तीखी प्रतिक्रिया देते हैं और विदेश में जाके भारत का अपमान करते हैं। पहले जब विधानसभा में वो सरकार में मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसे ही कहते थे, कई विधायक संपर्क में और पूरी सरकार खो बैठे थे, चले इनके विधायक गए थे, ज्यादा ऐसे कहेंगे तो ऐसा नहीं हो कांग्रेस का ही हवा टूट जाए। मेरे मित्र गोविंद सिंह जी ने भी एक रिपोर्ट लिखाई है कि उनको फोन पर किसी ने राहुल गांधी जी का नाम लेके बुलाया है। अब ये क्या क्रिया की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, पोस्टर कार्यालय तक आ गया, ये जो हमने पोस्टर लगा था तभी कहा था, अब ये फेक कॉल आ गया। एक दूसरे को परेशान करने का जो क्रम कांग्रेस में चल रहा है, इससे आप कांग्रेस के अंदर खाने का समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में परेशान करने का सगल चल रहा है। न तो न्यायालय पे भरोसा करते हैं, न किसी संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा करते हैं, न सेना पे भरोसा करते हैं, और चुनाव हार जाए तो फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं करते। वो कभी भी ऐसे सवाल जो है ना उठाते ही रहते हैं जिससे देश का मान घटे, संवैधानिक संस्थाओं का मान घटे। उनकी नजर में जाकिर नायक शांति दूत है, ISI जो है, PFI जो है, उनको वो ठीक लगते हैं बस, बाकी सब गलत लगते। मैं माननीय कमलनाथ जी को पत्र लिख रहा हूं, एक आदरणीय प्रियंक खड़गे जी के बयान के आधार पर, कि बहुत गौशाला खोलने की बात करते थे, अब इस पर अपनी राय बताएं। कांग्रेस की एक सरकार बनी है, अभी विधेयक वापस हुआ बेटियों को लेके, दूसरा बयान पंचायत मंत्री का आ गया। मैं कमलनाथ जी से पत्र लिख के पूछना चाहता हूं कि आपका इस बयान के बारे में जो घोर निंदनीय बयान दिया है, इस तरह की जो उनकी प्रतिक्रिया आई है गौ सेवकों के लिए, गौ रक्षकों के लिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और आप कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहते हो? कल माननीय प्रधानमंत्री जी, 3 पॉइंट हैं ट्रांजिट बजट पर, जबलपुर, शहडोल और भोपाल। वैश्विक नेता जिन्होंने भारत के मान को विश्व में बढ़ाया है वो भोपाल भी आ रहे हैं, शहडोल भी आ रहे हैं। कार्यक्रम है दोनों स्थान पर, सुरक्षा की पूरी चिंता की गई है, लगभग 40 IPS। मुरादाबाद में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है, तो वहीं हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगा है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। ये घटना बुलंदशहर के ढक्का गांव की है। महिला को सांप ने उस वक्त काटा जब वो घर में सो रही थी। आनन फानन में परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। इनके साथ इन्हें सोते में सांप ने काट खाया। अच्छा, तो आप कहीं और ले गए थे? हाँ, कहीं जगह ले गए, अब यहाँ पे लाए हैं जिला अस्पताल। राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि प्राइड फेस्ट 2023 का संवाद सत्र व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। ये सत्र बड़े प्राइड फेस्ट कार्यक्रम का हिस्सा है, जो LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और दृश्यता का जश्न मनाता है और उनकी वकालत करता है। मुझे लगता है क्रांति की शुरुआत अभी हुई है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम इन रिश्तों के बारे में जानेंगे, आपने रिश्तों के बारे में जाना है, आपने आप मिले हो लोगों से जो अलग हैं, उनसे मिल चुके हो, और वो सब भी इंसान हैं, वो सब भी फैमिलीज़ के साथ जीते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं,
फैमिलीज के साथ रहते हैं, उनके कई फैमिलियों ने स्वीकार किया है, कई लोगों ने नहीं स्वीकारा है, मगर समाज का ये जिम्मा बनता है, जर्नलिस्ट का जिम्मा बनता है कि हम आगे बढ़ें, चार कदम पीछे ना लें। और बोलते हैं ना, हम कभी किसी से सवाल करते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ होना चाहिए कि नहीं, किसी का बलात्कार ये अच्छा है कि बुरा है, तो आप होमोफोबिया के बारे में हम ये सवाल ही क्यों करते हैं कि ये सही है या गलत है। इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सारे साइंटिफिक बॉडीज ने कह दिया है कि ये विकृति नहीं है, ये वेरिएशन है, एबरेशन नहीं है, वेरिएशन है, विविधता है, विकृति नहीं है। तो अगर ये विविधता है, इन विविधताओं को अपनाने में ही इंसानियत। रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की जान जाने का मामला सामने आया। बता दें कि युवक नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर निकला था, लेकिन फिर वापस घर नहीं लौटा। दरअसल घर के पास लगे बिजली के खंभे में करंट उतर रहा था, जिससे युवक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हालांकि आनन फानन में परिजनों के द्वारा घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। हम देशराज प्रधान साहब ने वाला, क्या मामला हुआ है अस्पताल में? युवक को फोन आया तो वहाँ उनका खंभा था दरवाजे के, अच्छा। अभी एक घंटे पहले, हाँ मतलब एक घंटा या 40-45 मिनट हो गए, घंटा सवा घंटा हो गए, तो देख सूचना भाग हो गए। वहाँ उसको करंट मतलब पेशाब करने निकला, कैसे निकले अपना वहाँ थे, तो मतलब वो सहारा लिए तो करंट मार दिया उसको, बिजली का करंट। कौन है जिनको करंट लगा है? लाल जी, इनका नाम है लाल जी। रायबरेली में खेत की रखवाली करने गए बुजुर्ग किसान की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। ये घटना नसीराबाद थाना क्षेत्र के कुकहा गांव स्थित पूरे कनपुरिया की है, जहां आवारा जानवरों से खेत की रखवाली करने गए बुजुर्ग किसान का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपको? उमेश। ये जो खत्म हुए हैं, इनको ये मर्डर जिसका हुआ है, इनका आप कौन है इनके? मैं उनका बड़ा लगता। क्या आपको लगता है? ये डाउट है, कुछ कहा नहीं जाता कौन किया कौन नहीं, हम जांच होने के बाद। क्या नाम है आपको? उमेश। ये जो खत्म हुए हैं, इनको ये मर्डर जिसका हुआ है, इनका आप कौन है इनके? मैं उनका बड़ा लगता। क्या आपको लगता है? ये डाउट है, कुछ कहा नहीं जाता कौन किया कौन नहीं, हम जांच होने के बाद। क्या नाम है आपको? उमेश। पापा। इनके बारे में क्या जानकारी, कुछ कोई स्पेशल से लड़ाई झगड़ा या कुछ? नहीं कुछ नहीं। शाम को क्या हुआ था? आप खाना लेके गए थे तो खाना खाए, उसके बाद में मैं थाली वाली लेके गा रहा है घर से, फिर फोन लेके अपना मैं गया। अच्छा, जो लोग लेटे थे, आप लोग थोड़ी दूर पे लेटे हुए थे, तो कुछ आवाज या कोई उस तरह की कोई? आपको कितने टाइम मालूम पड़ा कि सुबह क्या हुआ था? 5:30 बजे। जब बुलंदशहर से लूट की खबर सामने आई, जहां 3 बाइक सवारों ने एक व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश व्यापारी से 79,000 रुपए नगद लूट कर फरार हो गए। व्यापारी के साथ ये लूट की घटना उस वक्त हुई जब वो नवीन मंडी से घर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। वारदेश्वर में मंडी से आ रहा था और ये मच्छरदानी जो बेचे वहाँ पे बैठे थे 3 बंदे और 3 थे मोटरसाइकिल पे विदाउट नंबर, इसकी मोटरसाइकिल भी पकड़ रखी। अच्छा, आप क्या किया उन्होंने? इन्होंने क्या किया, मुझसे बोले भाई रुकना, मुझे रोका और रुकने के बाद मेरे पास अटैक कर दिया। यहाँ पैसे थे, मेरे पास थैला नहीं था। जी जी जी। और उनमें से सीना झपटी में से मेरे पास 30.5 रहे, 1,10,800 रुपये थे। तो कितने रुपये लूट के ले गए? बाकी ले गए, ये मेरे अभी गिने। अंदाज कितने फिर भी? 90,300 हो गए। एक पकड़ा गया मौके से? एक पकड़ा गया, उसकी मोटरसाइकिल। मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, तो वहीं इस हादसे में 18 साल के युवक की मौत हो गई। बता दें कि टक्कर मारने के बाद से आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार है।
हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश जारी है। नगर ग्राम पंचायत आजम नगर चौपड़ा का, जिसका नाम इरफान था, ये यासीन का लड़का है, यासीन सैफी का। कहाँ से आ रहा था और कैसा आप सब आए? महमूदपुर परचूने की दुकान चलाता है, उसका सामान लेने के लिए आया था। तो कैसा हुआ ये हादसा? ये हादसा शायद ये लड़का रोड पे जा रहा था, पीछे से ट्रक ने। हमीरपुर में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हाईवे का जिम्मा संभाल रही पीएनसी कंपनी ने मौके में जाकर खड़े ट्रकों को हटवाया है। प्रेमनगर में सीमेंट फैक्ट्री के पास लगने वाले जाम की खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था, जिसका असर भी अब देखने को मिला है। और प्रशासन की तरफ से सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रकों को हटवाया गया है। आज पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राजपुरा में एक सिद्धू फाइनेंस और प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर फायरिंग की गई थी। उसी के तहत फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और एक पिस्तल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। ਸਹਿਮਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੈਪਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਡ ਵੈਪਨ।